بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه من والجنة حق والنار حق أدخله الله جنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار हज़रत वबाद इबन सामत रजी अल्लाह तवायत फ़रमाते हैं कि रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि जो आदमी इस बात की गवाही दे कि ला इला वह ला शरीक ला कि अल्लाह के सिवा कोई और मबूद नहीं वख दहू वो अकेला है ला शरीक लहू उसका कोई शर्क नहीं व अन् महम्मदन आब्दू व रसूलू और ये कि बेशक मोहम्मद सल्ह वसम उसके बन्दे और रसूल हैं वान्सा आब्दाला व रसूलू और ये कि बेशक असा आलम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं और अल्लाह का कलमा है जिस कलमे को अल्लाह तबार्ग ने हज़रत मरियम आलियम की तरफ इरमाया था रूह मिन और अल्लाह की तरफ से रुख हैं यानी अल्लाह तबारक ने हजरत मरियम सदातम को उनके ये इरशार फरमाया था कि कन यानी हजरत ईसा लीशा सलाम लीशा के बारे में फरमाया कि कन कि एसा तुम हो जाओ यानी पैदा हो जाओ और हज़रत जब्री सलाम से ये फरमाया कि जाओ हज़रत मरियम मरमसम के ग्ररेबान में फूँको तो उन्होंने जब आके फूँका और अल्लाह तबारकानी नब्ज़ कन फरमाया तो इससे हज़रतम के साथ हजरत मरियम हामिल हो गई और आगे फ़रमाया कि व जन्नत वक्क़ुन और जन्नत बरह है व नारकन और दोजख बरक है अदफल जन्न अल्लाह तबारक वाली उसको जन्नत में दाखिल करेंगे अला मैं क्या नमल चाहे उसका अमल जैसा भी हो और एक मुस्लिम शरीफ की रवायत में यह है कि जिसने इस बात की गवाही दी कि ना इना कि अल्लाह के सिवा कोई और मबूद नहीं वान्ना महम्मदूल्ला और बेशक महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं हर रमल्ल नार अल्लाह तबारक तआला उस पर दो जख्की आग को हराम कर देता है बहुत बड़ी फजीलत है यहाँ पर चंद बयान हुए हैं इन दो इस हदीस में और इसके दूसरे टुकड़े में लेकिन इन अकायद का मतलब ये नहीं है कि दूसरे अकायद अगर उसके ग़लत होंगे तो तब भी जन्नत में जाएगा ऐसा नहीं बल्कि जो भी बुनियादी अकायद हैं वो तमाम के तमाम आकायद उसके सही होने चाहिए चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो इर्शाद फरमाई ये मदीना मनवर में इर्शाद फरमाई और गादबा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये वो मौका था जबकि ईसाइयों के वफूद वहाँ पर आए हुए थे तो नबी करीम सलील्हल वम ने की इसला भी फरमाई और मुसलमानों की अजल भी फरमाई फिर ये मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत है कि जिसने ला अला का लाला और महमदर रसोल्ला का तो अल्लाह उस पर जन्नत की आँख व दोज की आग, आग को हराम कर देता है तो इसके उसकी तफसी दूसरी रिवायत में आई है और वो रिवायत वो रिवायत ही हैं कि जिसने ला अला महमदालरसूल्ला कह दिया मगर इसके हकूक़ के साथ तो अल्लाह तबारक उस पर दोजी आँख को हराम कर देता है ये नहीं कि सिर्फ ला महम्मद कह दिया और बाकी आमली ज़िंदगी में न वनवाजों का पाबंद है न रोज़े का पाबंद है न ज़क़त का पाबंद है ना हज का पाबंद है और जो भी कबीर गुना है उन सारे गुनाहों का इरतकाम कर रहा है शराब पी रहा है चर्स पी रहा है कोकिन पी रहा है और जुआ खेर रहा है सूदी कारोबार कर रहा है और फिर भी कहें कि अल्लाह मुझे जन्नत बदाखल करेगा तो ऐसा नहीं और फ़ुर में जगह जगह अल्लाह तबारा ने यह फरमाया कि उद खलू है बीम आमिल तुम उुद खलू बीमा कुन तुम तम इस जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ बवजा अपने नेक आमाल के इस जन्नत में दाखिल हो जाओ बवजह उन आमाल के नेक आमल के जो तुम क्या करते थे और जगह जगह ये फरमाया कि अल्लाह दोस्त उन लोगों का जो मुतफ़ी हैं अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा उन लोगों को जो मुतफ़ी हैं अल्लाह कामयाब करेगा उन लोगों को जो मुतफ़ी हैं तो तख का तो खुलासा ही यही है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए तकवा का असद खुला से तो यही है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए तकवा के मानों बचने के हैं तो इंसान किस चीज़ से बचेगा गुनाहों से बचेगा और शिरक और कुफर से और ग़लत आकीदों से बचेगा तब जाकर उसकी मफरत होगी तो बहरहाल ये खुशखबरी बहुत बड़ी है तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग हैं एक ये कि जिस आदमी ने कदम तोहेद पढ़ दिया और आकदीदा उसके सही रहा वो जन्नत में तो ज़रूर दाखिल होगा ये तो पक्की बात है और गारंटी की बात है कि वो जन्नत में तो जाएगा अगर इसी कलमे पर उसको मौत आ जाए लेकिन जन्नत में कब जाएगा ये उसकी अपनी ज़िंदगी पर मौकूफ़ है और उसके अपने आमान पर और उसके तकबा परिजगारी पर मौकूफ़ है अगर दुनिया में इसने इस कदमे का हक़ हाँ अदा किया तो ये जन्नत में पहले ही वहदे में चला जाएगा और दो से अल्लाह इसकी हिफाजत कर देगा लेकिन अल्लाह ना करे अगर इसने इस कलमे के हकूक अदा न किए और जो वाजिबात और फ़राश और सुन मदे उनको इग्नोर करता रहा और जो गुनाह थे माशीत है हराम चीज़ें थी मकर तहरीमी चीज़ें थी उनका इरतक करता रहा तो ऐसी सूरत में अल्लाह का क़ानून और उसकी सन्नत ये है कि अल्लाह इसको पहले दो ज़ख़म डाल कर इसको पाक करेगा और फिर जन्नत में दाखिल कर देगा हाँ अगर किसी को अपनी रहमत से और अपने फजल से वैसे ही जन्नत में दाखिल कर दे तो वो वह फादुलजमा यूरीद है और औरदीर है वो जो चाहे वो करता है और हर चीज़ पर उसको कुदरत हासिल है ये उसकी मशीयत पर मौकूफ़ है और उसकी हमत पर मौकूफ़ है वो जिसके साथ जैसे चाहे मामला कर दे लेकिन असद उसूल और ज़्यादा उसका बहर हाल वही है सुनत अल्लाहती कल खदरत मनकब्नत कल खदर पी आबादी मुख्तफ आयात में अल्लाह ने मख्तलि जगह जी उसूल बयान फरमा कि असल सुन्नत और असद क़ानून और क़ायदा अल्लाह तबारक उताल का यही है कि फरमानबरदारों को वन्नत में दाखिल करेगा और नाफरमानों को दो ज़ख्म डालेगा फिर अगर वो नाफरमानकैीदे के अतबार से सही हुए तो दो ज़ख़म डालकर पा करके उनको जन्नत में दाखिल कर देगा और अगर अपनी मशीत से और अपनी रहमत से उनमें से किसी को बग़ैर दो जख्म मिटा दे जन्नत मिटा दे तो इस पर क़िर है और वो इस तरफ भी करेगा लेकिन उसका कुछ ही कानून और कायदा नहीं असल कायदा वही है जो मैंने आरज किया है अल्लाह तबारक तौम की दोपहरी खदा फरमाए बायमदिल्ला